हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम वृंदावन जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इच्छा थी वृंदावन जाने की, लेकिन बाबा ने बुलाया ही नहीं। आज बाबा ने बुला ही लिया। मेरी पत्नी, भांजा और बेटी मेरे साथ है। हमारी गाड़ी एम्फाल से 4-5 किलोमीटर पहले ही पुलिस के द्वारा रोक लिया गया, क्योंकि पुलिस किसी भी गाड़ी को जो है टेंपल की ओर आने नहीं दे रही। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करके और ई रिक्शा लिया, और ई रिक्शा में हम चारों ही बैठकर जा रहे हैं। ई रिक्शा में बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि बड़ा मज़े का आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ई रिक्शा से उतरकर हम वृंदावन की गलियों में जा रहे हैं। ये वृंदावन का बाज़ार है जो आपको दिखाई दे रहा है। वृंदावन में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी के सभी जा रहे हैं। बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ है। बड़ी परेशानी से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए बाज़ार का दृश्य, ये दुकान देखिए कितनी भीड़ है अंदर। ये देखिए भीड़। हम सभी वृंदावन की गली में जा रहे हैं। जब से मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, तब से मैं तो पागल ही हो गया हूँ। जब तक इनके दर्शन नहीं कर लेते, मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इनके दर्शन से पहले जीवन में काफ़ी निरस्ता थी, लेकिन जैसे ही मैंने इनको पहली बार देखा, मेरा जीवन ही बदल गया। अब मेरे जीवन में काफ़ी उत्साह, काफ़ी उमंग और काफ़ी खुशी। ये चीज़ें ऐसा लगता है जैसे खुशी, उमंग, उत्साह मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। मेरी बेटी भी बड़े ही श्रद्धा के साथ राधे राधे बोलते हुए भगवान के दर्शन के लिए जा रही है। राधे नाम का तिलक मैंने अपने माथे पर लगवाया है, पर मेरा मन कर रहा है कि मेरे पूरे शरीर पर राधे ही राधे दुआ दिया जाए। मैंने इसे कहा कि मेरे पूरे शरीर पर राधे ही राधे लिख दो। ये वृंदावन का मंदिर है, आपको भी दर्शन करवाते हैं मेरे ठाकुर जी के। ये मेरे ठाकुर जी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनसे एक बार नज़रें मिल जाए तो नज़रें हटने का नाम ही नहीं लेती। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे।